नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरक्षण जो है हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहता है और हर दम दोस्तों चर्चा में रहता है। फ्रेंड्स, इसको लेकर एक सबसे बड़ा जो झूठ है या सबसे बड़ी जो फेक न्यूज है दोस्तों, वो जो है मार्केट में रहती है या फिर सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी। और दोस्तों, जब वही फेक न्यूज या फिर जिसको हम बोलें झूठ, कोई पढ़ा लिखा बंदा जो पीएससी या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, वो भी वो झूठ बोले या झूठ फैलाए, तो दोस्तों ये सही नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरक्षण के बारे में सबसे बड़ा जो झूठ है वो ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है या कुछ लोग ये झूठ फैलाते हैं कि जो रिजर्वेशन था सरकारी नौकरियों में वो जो है 10 साल के लिए था मात्र। तो फ्रेंड्स, देखिए, आप यदि पढ़े लिखे हैं तो भारतीय संविधान पढ़ लीजिए, उसमें दोस्तों जो रिजर्वेशन इन जॉब में जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो है उसके बारे में कहीं नहीं बताया गया है कि ये 10 साल के लिए है। यानी कि दोस्तों ये सरासर गलत है, झूठ है। हाँ, लेकिन दोस्तों देखिए, हमारे देश में दोस्तों 3 टाइप के रिजर्वेशन है, एक एजुकेशन में, एक पॉलिटिक्स में और दूसरा दोस्तों सरकारी नौकरियों में। जो 10 साल के रिजर्वेशन की बात होती है वो एक्चुअल में राजनीति में रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले जो है ये एक्सटेंड किया गया है 10 साल के लिए, तो वो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, ना कि दोस्तों सरकारी नौकरी वाला। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप संविधान का एक एक आर्टिकल पढ़ सकते हो और यदि किसी भी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो प्लीज़ उनका जो है कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।